अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम सादा पे का ए टू जेड जितना भी प्रोसीजर होता है वो जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। उसके बाद ये जानेंगे कि जब हमें सादा पे वेटिंग लिस्ट में डाल देता है, यानी कि 6-6 माह तक हम वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, तो उसको कैसे विद इन 1 वीक में सॉल्व करें, वो भी गोल्डन टिकट के जरिए। गोल्डन टिकट जो है आपको फेसबुक पे पेज है वहाँ पर पेड भी मिल जाती है, लेकिन मैं आपको फ्री दूंगा। तो बस आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जितने भी मेरे पास गोल्डन टिकट आएंगे वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का इशू भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, कार्ड को एक्टिव कैसे करें। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम और आखिरी प्रॉब्लम है वो है लिमिट को कैसे इंक्रीज करें। तो वीडियो में ये सारे प्रोसीजर, सारे इशू जो है हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल ध्यान से देखें, तभी आप जो है सादा पे का सारा प्रोसीजर जान सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर से सादा पे की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मेरे पास सादा पे की दूसरी एप्लीकेशन है जो वेटिंग लिस्ट वाली थी, उससे मुझे हटाकर जो है इस एप्लीकेशन में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपको भी इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा जब आप वेटिंग लिस्ट से खत्म होंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाना है तो इसके लिए मैंने साइट ओपन की हुई है। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सारा इंटरफेस सेम एज इट ही है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, उसके बाद आपने जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम लिखा, पहला नेम, दूसरा नेम, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी को एंटर किया। ईमेल आईडी आपकी मेन जो है उसी पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पर जो है आपको सादा पे की जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका एक्सेस दिया जाएगा। तो जैसे ही आप नंबर एंटर करेंगे, कोड डालेंगे, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि यू हैव बीन एडेड टू अ वेटिंग लिस्ट। अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो तकरीबन 4.5 लाख पर चल रही है, तो अभी तक 2 लाख लोगों को जो है वो यानी कि कार्ड मिला है। तो मतलब 6 माह तक आपको मुसलसल यानी कि वेटिंग लिस्ट में लाजमी रखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैंने जो सादा पे बनाया था उसको मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो सादा पे का जो भी आपने ऐप का पासवर्ड दिया होगा वो आपने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह शो हो जाएगा 4,11,000, यानी कि आप वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कैसे करना है। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो ख़त्म होगी गोल्डन टिकट के ज़रिए, और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इनवाइट। अगर आप दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो अब भी आपकी जो है वेटिंग लिस्ट जो है वो कम होगी, लेकिन जो गोल्डन टिकट से कम होती है वैसे कम नहीं होगी। यानी कि अगर आप इनवाइट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाख पर आ जाएंगे, अगर आप गोल्डन टिकट से करते हैं तो विद इन 1 वीक यानी कि उसी दिन आपकी जो है सारी वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर फाउंड अ गोल्डन टिकट, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद एंटर कोड के बटन पे आपने क्लिक करना है। जो भी मैं आपको कोड दूंगा वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। गोल्डन टिकट जो है वो सादा पे फेसबुक पे ग्रुप पे है, वो आपने सर्च करना है। वहाँ पर भी लोग दे रहे होते हैं, अक्सर जो है वो फ्री दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो पैसों से दे रहे होते हैं। 200-300 इस तरह मिलती है, 200 रुपये की या 300 रुपये की आपको गोल्डन टिकट मिलती है। तो लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा, आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है गोल्डन टिकट को एंटर करूँगा। तो गोल्डन टिकट यहाँ पर लिखने के बाद यानी जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर आपके सामने विक्ट्री का निशान आ गया, यानी कि यहाँ पर मेरी जो वेटिंग लिस्ट वो देख सकते हैं लाइव यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट इन लाइन, यानी कि बहुत जल्द मुझे कार्ड मिल जाएगा, विद इन 1 वीक जो है वो मुझे कार्ड मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट को कैसे ख़त्म करना है गोल्डन टिकट के ज़रिए। उसके बाद आपको जो है मैसेज आएगा कि वेलकम टू सादा पे, यानी कि आपकी जो है वेटिंग लिस्ट वो फाइनली ख़त्म कर दी गई। यहाँ पर देखें आपको मैसेज आ गया। उसके बाद जो आपने ईमेल एंटर किया होगा वहीं पर आपको जो है एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। वो एप्लीकेशन जो है दूसरी एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। या तो आपको ईमेल पर बता दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने ऐप को ओपन करना होगा, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपने जो है अपना आईडी कार्ड, अगर आप 18 साल से प्लस हैं तो आपने अपना आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड जो है वो स्कैन करनी है, नहीं तो आप अपनी अम्मी अबू में से किसी की भी जो है वो आईडी कार्ड को स्कैन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड भी स्कैन कर ली और बैक साइड भी स्कैन कर ली। उसके बाद जो है अगला स्टेप होता है सेल्फ़ी का, ठीक है, तो सेल्फ़ी भी ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है। तो अगर आपका अच्छे वाला मोबाइल है तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये खुद ही फिल हो जाती है जैसे ही आप स्कैन करते हैं, यानी कि फ्रंट और बैक साइड जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद
फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिल करने के बाद अगला ऑप्शन जो है वो सेल्फ़ी का, तो जिसके अभी आप आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसी की आपने सेल्फ़ी लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि आईडी कार्ड किसी और का यूज़ कर रहे हैं और सेल्फ़ी आप अपनी खुद की ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिसका भी आईडी कार्ड यूज़ करें सेल्फ़ी भी उसी की लें। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ़ी जो है वो क्लिक कर ली है, तो यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि योर अकाउंट वेरीफिकेशन इज़ पेंडिंग, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई होगा, तो इतने में मैं वेट कर लेता हूँ। 3 से 4 घंटे मैंने वेट किया है। अब मैं दोबारा सादा पे को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो आपने पासवर्ड जो है अपना लगा लेना है, एक तो पिन पासवर्ड होगा और दूसरा जो है कार्ड का पासवर्ड, वो बाद में लगेगा, ठीक है। अभी जो है एप्लीकेशन का पासवर्ड है जो कि 5 अंकों का है, वो आपने लगा लेना है और इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन वो लॉगिन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ्री कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको करंट बैलेंस के नीचे जो है मास्टर कार्ड का लोगो बना हुआ नज़र आ रहा है, एक रेड कलर का सर्कल है और एक येलो कलर का। तो इसके आगे जो है वो एरो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट बैलेंस के नीचे जो है मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड के साथ एरो का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वर्चुअल है और फिज़िकल है, तो आपने फिज़िकल पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ अ कार्ड नेटवर्क, तो इस पर आपने क्लिक करना है। चूज़ अ कार्ड नेटवर्क, यहाँ पर आपको 2 कार्ड देखने को मिल रहे हैं, पहला मास्टर कार्ड है और दूसरा पेपाक। तो हमने सिंपली मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर इनकी सारी जो है इंस्ट्रक्शंस वो आप रीड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 3 ट्रांजेक्शन विदड्रा जो है मंथली फ्री मिलेंगी और ये इसकी एनुअल फ़ीस भी नहीं है। और यहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और जो आपका कार्ड है वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको मिल जाता है। तो मैंने भी जब अप्लाई किया था तो मुझे भी 1 वीक के अंदर ही जो है वो कार्ड मिल गया था। तो ये मास्टर कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन थी। तो बड़ा ही फास्ट तरीके से जो है आप इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं जब भी ATM पर यूज़ करता हूँ तो बड़ी हैवी स्पीड है इसकी। तो उसके बाद पेपाक है दूसरा जो कि पेड है, तो हमें उसके लिए अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर आपने अपना सारा एड्रेस फिल करना है, मैंने फिल कर लिया। उसके बाद जब आपका कार्ड आ जाएगा तो आपने प्रोसीड टू एक्टिवेशन पर क्लिक करना है और आपकी कार्ड की जो बैक साइड पर जो हिंसे होंगे वो आपने एंटर करने होंगे, तो आपका कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद लिमिट का ऑप्शन जो आता है वो आपने जाना है मोर के ऑप्शन पर, वहाँ पर आपको लिमिट के नीचे इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट स्कैनिंग पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जिसका आपने आईडी कार्ड यूज़ किया है उसका आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली फिंगर स्कैन करनी है क्लोज करके, उसके बाद राइट साइड वाली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सादा पे का मुकम्मल प्रोसीजर जान चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे इस तरह का कार्ड मिला है, लेकिन आपको जो है वो ग्रीन कलर का कार्ड मिलेगा क्योंकि हम फाउंडर क्लब के मेम्बर थे, क्योंकि हमने काफ़ी पहले ज्वाइन कर लिया था। तो गाइज ये था सारा प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।